बिजनौर के रहने वाले मुफ्ती फैजान व कारी तनवीर मौजन यानी अजान देने वाले को बिजनौर की बदापुर की मोती मस्जिद से एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों युवक बिजनौर के ही रहने वाले हैं। सदमे में फैजान के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने देवबंद व हैदराबाद में रहकर पढ़ाई की है और पिछले 8 महीने से बदापुर की मस्जिद में बतौर पेश इमाम थे। अचानक सुबह 5 बजे के करीब एटीएस ने उन्हें मोती मस्जिद से गिरफ्तार किया है। वही पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है और वह किसी आतंकी साजिश में नहीं हो सकता। बेटा का नाम जो है वो मोहम्मद फैजान है, मोहम्मद फैजान जी। उन लोग जो है बचपन से ही पढ़ रहे थे वो, हाँ, मौलवी का कोर्स जो है वो मौसा दियोबंद से किया है। हैदराबाद मुफ्ती का जो कोर्स था वो हैदराबाद से किया है। उसके बाद में जो है वहाँ से आने के बाद अपना वो मस्जिदों के अंदर इमामत कराते रहे जी। अब जो है वो यहाँ बड़ापुर में काफ़ी देर से इमामत करा रहे थे। अब वो एसटीएस वाले सुबह आए, जो है बताया कि अजान के बाद जो है उसको उठा करके लेके चले गए। अब आगे जो है हमारे पास फ़ोन किया, हम यहाँ तहकीक के लिए आए, यहाँ से भी कोई बात क्या, हम ये पता नहीं चला क्यों उठा कर ले गए, क्या बात है क्या नहीं है। तो इसलिए जो है हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं उसके उसका पता, इसलिए भाई क्या बात है क्या नहीं है, तो उसको उठा करके ले जाए। इस तरह मोबाइल और क्या लैपटॉप इस्तेमाल करते थे? लैपटॉप तो इस्तेमाल नहीं करते थे। मोबाइल करते हो भाई? मोबाइल फ़ोन तो बहरहाल होते रहते हैं।